हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकाल के आई है, अभी लेटेस्ट ही निकाल के आई है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कैसे इसको अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या है, जो भी डिटेल मिलेगा हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ में, उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसका डिटेल को डाउनलोड करके देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस। इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग को कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक ब्लिंक हो रहा है बोल्ड लेटर में, अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू वेबसाइट ही ओपन हो जाता है हम लोग का, जो टेम्प्रोरी बनाया गया है। इस पर हम लोग का सबसे पहले ये पहला वाला पे हमें क्लिक करता हूँ तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, जहाँ पे दिया गया है लेफ्ट साइड में इंग्लिश में, राइट साइड में उसका लोकल लैंग्वेज का दिया गया है। ये जैसे कहाँ का है, कर्नाटका का है, तो कर्नाटका का कन्नड़ लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसमें डिटेल हम लोग को मिल जाता है क्या क्या, इस पर देखते हैं। इंग्लिश वाले पे इंग्लिश, यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन दिया गया है। पोस्ट क्या क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे डेट दिया गया है 16/11/2019, बेंगलोर का ये उसका एड्रेस वगैरह दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन जो दिया गया है, नर्स मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर MLHPS। नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, काफ़ी अच्छी खासी है, 552 पोस्ट निकल के आती है। और ये कहाँ कहाँ का ये वो चीज़ दिया गया है, कोपाल, बिदार, ये सब नाम दिया गया है, ये सब हॉस्पिटल में निकल के आती है ये सब वैकेंसी, टोटल के 552 वैकेंसी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कम्प्लीट होना चाहिए। एज लिमिट दिया गया है मैक्सिमम लेस देन 35, यानी कि मैक्सिमम 35 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेस देन 40 भी दिया गया है, जो सिर्फ SC ST के लिए है। तो बाकी जो बच जाते हैं वो सबके लिए 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, SC ST के लिए 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर डिटेल हम लोग और कुछ नोट में कुछ कुछ दिया गया है हम लोग देख लेते हैं। मंथली सैलरी वगैरह दिया गया है इसमें, मंथली सैलरी जो रहेगा 24,200 दिया गया है इसमें। 22,000 जो दिया गया है फॉर मैसूर एंड कोकल डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया, प्लस अप टू 8,000 जो इंसेंटिव वगैरह भी इसका रहेगा इसमें। अप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन ओनली, ये ऑनलाइन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो 18/11/2019 से लेके लास्ट डेट हो जाता है 10/12 तक, 5 बजे शाम तक। रिटेन टेस्ट इसका होगा, जो रिटेन टेस्ट के आधार से और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार से सिलेक्ट किया जाएगा। इसका सारा डिटेल मिल जाएगा इस लिंक पे, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, एक karnataka.gov.in/hfw/page.home.aspx ये वेबसाइट रहेगा। मैं ये पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, पीडीएफ में सब कुछ डिटेल दिया गया है। तो ये एक शॉर्ट सा नोटिस निकल के आया है, जो यहीं पे जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इंक्लूडेड है। राइट साइड में उसका लोकल लैंग्वेज में भी दिया गया है, अगर आप लोग लोकल कैंडिडेट हैं तो यहाँ से भी जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें, इसी तरह से सहयोग करते रहें और इसी तरह से नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल घंटी को दबा दें।